नमस्कार, आप देख रहे हैं जलवा टाइम सच के साथ एक कदम। वैश्विक आपदा कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन को देखते हुए, देश के नागरिकों की परेशानी को देखते हुए निशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी इंक्लेव जनता फ्लैट में राशन वितरण किया गया। राशन वितरण में वितरण कर्मचारियों के द्वारा सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान किया गया। सिविल डिफेंस के कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी पर तैनात लोगों को सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने में पूरा सहयोग किया। देखिए एक रिपोर्ट। इस समय हम खड़े हुए हैं जनता फ्लैट में। यहाँ पर राशन की, सरकारी राशन की दुकान है, यहाँ पर राशन वितरित किया जा रहा है जनता को, और काफ़ी डिस्टेंस के साथ खड़े हुए हैं और बड़ा शांतिपूर्वक बांटा जा रहा है यहाँ पर ये जो राशन विक्रेता है। सर, हम पूछना चाहेंगे आपको इस समय क्या महसूस हो रहा है या कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये एक बार बताएंगे सर? बताएंगे सर, इस समय जो देश कोरोना से जूझ रहा है और देश में काफ़ी लोगों के साथ जो है समस्या खड़ी है, महामारी से जूझ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों की सेवा कर रहे हैं तो किस हिसाब से आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? फील तो अच्छा हो रहा है, समाज की सेवा हो रही है और गरीबों को अन्न मिल रहा है खाने के लिए, काम धंधा लोगों को इस समय थोड़ा परेशानी हो रही है, लेकिन थोड़ी सी ये है कि समाज में अभी भी अवेयरनेस की कमी है। जी जी जी, हमारे यहाँ जितनी होनी चाहिए लोगों को थोड़ा सा डिस्टेंस बना के कुछ लोग रख रहे हैं, लेकिन अभी कुछ लोगों के अंदर थोड़ी सी कमी है, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सभी लोगों की सेवा हो, सबको राशन मिले, टाइम से मिल जाए उनको और किसी को परेशानी ना हो, ये हमारी पूरा पूरी पूरी कोशिश है कि सबको राशन मिले, टाइम से मिले और किसी को भी परेशानी नहीं। सर, ये जो आप यहाँ धूप में बैठे हैं और काफ़ी मतलब धूप ही है इस समय गर्मी का मौसम, तो सुबह कितने बजे से और कितने बजे तक का है आपका? 9 बजे से खुल जाती है दुकानें, 1 बजे तक बांटेंगे, फिर शाम के टाइम फिर बांटेंगे 4 बजे से, जब तक रहेगा राशन, जब तक अवेलेबल रहेगा तब तक बांटते रहेंगे, दोबारा आएगा दोबारा फिर बांटेंगे। हमारी कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे, किसी भी समाज का हो, कैसा भी अमीर, किसी कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, जो हम कर सकते हैं हम भरपूर उनकी सेवा करने के लिए यहाँ तत्पर हैं। सर, ये और यूनिट के हिसाब से मिल रहा है या किस हिसाब से मिला है? मतलब जो ये पहले 4 किलो मिलता था और 1 किलो गेहूँ मिलता था प्रति व्यक्ति, लेकिन अब 6 किलो गेहूँ दिया जा रहा है और 1.5 किलो चावल प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है, और वो भी बिना किसी पैसे के मुफ्त दिया जा रहा है। सर, ये जो राशन कार्ड जिनके पास है उनको दिया जा रहा है या कोई और भी आ सकता है कि जिनको राशन कार्ड नहीं उनको भी मिल सकता है? देखो, अभी तो राशन कार्ड वालों को है, लेकिन कई लोग ऐसे भी समाज के हैं जो जिन्होंने अपनी तरफ से लेकर के किसी को काम, जैसे गरीब लोग हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है उनके लिए सरकार अभी लिस्ट तैयार कर रही है और आने वाले टाइम में उन लोगों को भी राहत, क्योंकि उन लोगों को भी सरकार ध्यान रखना चाहिए कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और वो रोजमर्रा रोज लाते हैं, रोज खाते हैं और उनके घर में भी समस्या बहुत सारी है, क्योंकि अभी सुनने आ रहा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो भूख से परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ सरकार या आप लोग कुछ सुझाव भेज रहे हैं? इसके लिए भी सरकार को भेजा है कि जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, सड़कों पर रहते हैं या जिनके पास स्थायी अता पता नहीं है, तो उन लोगों को भी सरकार राहत दे, और कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से भी कि उन लोगों को भी राशन मिले, कोई भूखा न रहे ऐसे संकट के समय में। जैसे बहुत लोग जो रिक्शे चलाते हैं, किराए पर रहते हैं, बेलदारी करते हैं, जैसे सरकार ने ये ऑर्डर करा है कि जो लेबर है, जो रजिस्टर्ड है, अब रजिस्टर्ड तो लेबर उस टाइप की है जो लेबर का काम नहीं करते, रजिस्टर्ड जो लेबर हकीकत में ही लेबर है वो बेचारी जो है ना उस तक पहुंच नहीं पा रही वो सामान, तो हमारा मानना है कि आपकी क्या सलाह है कि जो लोग लेबर जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, हर तरीके की लेबर है, लेबर तो एक पिंचर जोड़ने वाला भी लेबर है, एक हिस्सा चलाने वाला भी लेबर है, बहुत तरीके, तो उनके किस बताते हैं कि किसी के अकाउंट भी नहीं है या मतलब कोई रजिस्टर्ड नहीं, तो उनके लिए क्या करेगी सरकार? उनके लिए सरकार ने जैसे ये स्कूल वगैरह में भोजन की व्यवस्था की है, कुछ रहने की भी व्यवस्था की है, और मैं तो चाहता हूँ कि सरकार और आगे उनके लिए कोई ना कोई ऐसी योजना लाए जो कि जितने भी लोग कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, रिक्शा चलाते
सड़कों पर रहते हैं, जिनका कोई स्थायी अता पता नहीं है, उन लोगों के लिए भी कोई इस तरह की योजना बनाए कि उन लोगों को भी राशन की, रहने की सारी व्यवस्था हो, क्योंकि वो सब हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे ही देश के लोग हैं, उनको परेशानी है तो हमारी परेशानी है। हम सबको इस महामारी से, इस कोरोना से मिलजुल के लड़ना है और सारे समाज का ये दायित्व बनता है कि हम इस समय एक साथ खड़े हों, एक दूसरे का सहयोग करें बिना भेदभाव के। हम कोई भूखा न रहे, कोई परेशानी किसी को हो तो हम लोगों को मिलजुल कर उसका समाधान करना चाहिए, यही इसका सबसे बड़ा पुण्य का काम। धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया। हम बस एक 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 सवाल हो रहा है आपसे कि हमारे जनवर टाइम्स जो चैनल के माध्यम से आप देश के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हो, जगह जगह जा करके और लोगों के सारी वो देख रहे हो, दिखा रहे हो, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं इसी तरह से। समाज का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर आदमी का आज ये दायित्व बनता है कि हम लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। एक दूसरों को जो लोग अभी 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 कुछ लोग अवेयर नहीं है, उनको अवेयर करना चाहिए और सबकी एक दूसरे की सहायता करनी है, जिससे हम इस महामारी से, इस बहुत बड़े संकट से बाहर निकल सकें, हम अपने देश की रक्षा कर सकें। मैडम, आप राशन लेने आए हैं? हाँ जी सर। तो आप मतलब मास्क लगा के भी नहीं आए और ऐसे ही चले हैं, इस समय देख रहे हैं क्या क्या कंडीशन हो रही है देश की? वो जल्दबाजी में आए थे इसलिए। तो आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या चल रहा है जो आजकल जो देश के अंदर जो चल रहा है, इस तरीके से लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आप बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि एक दूसरे से दूरी मेंटेन करके रखें और बस। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सर एक दूसरे से मतलब एक मीटर का फासला रखें जी, और मतलब अपना लाइन में बने रहें। सर इस समय जैसे घरों में रहना पड़ रहा है, हाँ, तो कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है कि भाई हम लोग को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो घर में रहे तो करना ही पड़ रहा है, मतलब ये है तो अब बाहर निकलना भी तो मतलब खतरे से खाली नहीं है ना, जी जी, इसलिए तो घर में अपना घर में कोई परेशानी है तो परेशानियों का जब भारत सरकार ने कर रखा है। थैंक यू सर। घर से निकलना बाहर जाने का खतरा है। काम क्या है आपका? जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।